ओके गाइस, यहाँ पे Realme 5, 5S एंड 5i में Realme UI Stable C.47 अपडेट का मेन्यू लिंक अवेलेबल हो चुका है। फिलहाल मैं Realme सॉफ्टवेयर अपडेट वेबसाइट पे हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो Realme 5S में C.47 अपडेट आ चुका है। देन उसके बाद उसी के नीचे आई थिंक Realme 5 है, सेम अपडेट C.47 का मिलता है। और बात की जाए Realme 5i की तो आप देख सकते हो C.47 फाइल अवेलेबल हो चुका है। सो यहाँ पे काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम से, तीनों ही डिवाइस में Realme UI Stable अपडेट मेनू लिंक का वेट चालू था और फाइनली आज और अभी मेनू लिंक अवेलेबल हो चुका है, पब्लिकली हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखो गाइज, अगर आपको OTA थ्रू अपडेट नहीं मिला है C.47 का तो फिर आप मेनुअली इंस्टॉल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो आपको OTA थ्रू C.47 अपडेट Realme 5, 5S एंड 5i में मिलेगा उसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 2GB के ऊपर होगा, बिकॉज यहाँ पे जो अपडेट रोलिंग आउट हो रहा है वो फुल फाइल में रोलिंग आउट हो रहा है, मतलब फुल रोम में रोलिंग आउट हो रहा है। ओके, एंड जो आपको मेनुअली अपडेट मिलेगा वहां पर भी सेम आपको फुल रोम मिलेंगी। सो दोनों ही अपडेट में जो आपको साइज मिलेगा ना वो एज इट इज बिल्कुल सेम मिलेगा, इसीलिए टोटली 100% मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आप मेनुअली इंस्टॉल करो, बिकॉज साइज बिल्कुल सेम रहेगा चाहे फिर वो OTA का हो या फिर मेनुअली हो। ओके, एंड रही बात OTA अपडेट की, तो यार वो आपको कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है और थोड़ा लेट हो सकता है। हो सकता है कि 15 जून तक आपको OTA अपडेट मिले ही ना, इसीलिए आप मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड देखो गाइस, बहुत ही इजी होता है, हाउ टू अपडेट पे आप चेक कर सकते हो। पहले जो है आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, देन हाउ टू अपडेट पे जाके चेक कर लो। यहाँ पे जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। फर्स्ट आपको लैंग्वेज चूज करनी है, देन उसके बाद इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस में जाना है, और उसके बाद फ्रॉम फोन स्टोरेज में जाना है, देन उसके बाद ओके कर लेना है। जो फाइल आपने डाउनलोड की है उसे आपको सिलेक्ट करके जो है ओके करके फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। ओके, तो बहुत ही इजी मेथड होता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे लंबी मेथड नहीं है, ठीक है ना। तो यार देखो, फाइनली तीनों ही डिवाइस में फाइल आ चुका है, ज़्यादा इंतज़ार मत करो, फाइल है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। बस डाउनलोड करते समय जो फाइल है उसे स्टॉप मत होने देना, ओके, कंटिन्यूसली डाउनलोड करना, क्रोम ब्राउज़र का ही उपयोग करो, और हाँ यही ब्राउज़र ठीक रहेगा, इसे ही उपयोग करो, एंड बीच में जो है रुकने मत देना, कंटिन्यू डाउनलोड होने देना। बहुत ही इजीली आप रिकवरी मोड में जाके जो फाइल आपने डाउनलोड की है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। देन उसके बाद जो है एक बार डिवाइस को रिसेट ज़रूर कर लेना, फैक्ट्री रिसेट। इससे क्या होगा, जो भी अपडेट के साथ थोड़ा बहुत आपको इशू फेस होगा, लाइक बैटरी ड्रेन, हीटिंग इशू, लैगिंग इशू, जो कुछ भी होता है ना छोटा मोटा इशू, वो जो है फैक्ट्री रिसेट करने के बाद सॉल्व हो जाएगा। हाँ, 80-90% कन्फर्म सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपको जो है डिटेल्स समझ आई होगी, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन एंड डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।